नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के हित के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये घोषणा की है कि पुलिस भर्ती में EWUS श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा वीरवार को हरियाणा विधानसभा स्तर के पहले दिन की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर सरकारी नौकरियों में EWUS की श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान लागू किया है। उन्होंने कहा कि अब तक पुलिस भर्ती में इस श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट नहीं दी जाती थी। इस संबंध में सुझाव प्राप्त किए गए थे और उनमें विचार करने के उपरांत ही अब पुलिस भर्ती में भी यह छूट देने का निर्णय लिया गया है। पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया था, उसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी 10% नौकरियों में आरक्षण दिया है जो आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे वर्ग हैं। अभी तक चूंकि आयु सीमा में जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनकी आयु सीमा में पुलिस भर्ती में कोई छूट नहीं थी, जैसे बाकी सबकी थी वैसी उसमें थी, लेकिन सुझाव बहुत से आए और मैं समझता हूँ हमारे माननीय सदस्य के प्रश्न पूछने का भी शायद हेतु यही होगा। तो मैं आज घोषणा करता हूँ कि होम डिपार्टमेंट की पुलिस की इन भर्तियों में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उस वर्ग को 5 वर्ष की आयु में अतिरिक्त छूट दी जाएगी। भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया था, उसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी 10% नौकरियों में आरक्षण दिया है जो आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे वर्ग हैं। अभी तक चूंकि आयु सीमा में जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनकी आयु सीमा में पुलिस भर्ती में कोई छूट नहीं थी, जैसे बाकी सबकी थी वैसी उसमें थी, लेकिन सुझाव बहुत से आए और मैं समझता हूँ हमारे माननीय सदस्य के प्रश्न पूछने का भी शायद हेतु यही होगा। तो मैं आज घोषणा करता हूँ कि होम डिपार्टमेंट की पुलिस की इन भर्तियों में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उस वर्ग को 5 वर्ष की आयु में अतिरिक्त छूट दी जाएगी। भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया था, उसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी 10% नौकरियों में आरक्षण दिया है जो आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे वर्ग हैं। अभी तक चूंकि आयु सीमा में जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनकी आयु सीमा में पुलिस भर्ती में कोई छूट नहीं थी, जैसे बाकी सबकी थी वैसी उसमें थी, लेकिन सुझाव बहुत से आए और मैं समझता हूँ हमारे माननीय सदस्य के प्रश्न पूछने का भी शायद हेतु यही होगा। तो मैं आज घोषणा करता हूँ कि होम डिपार्टमेंट की पुलिस की इन भर्तियों में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उस वर्ग को 5 वर्ष की आयु में अतिरिक्त छूट दी जाएगी।